मुंबई के चर्चित कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 6000 पेज की चार्जशीट स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में दायर की। इसमें केस के सबसे बड़े आरोपी के रूप में पेश किए गए एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है। इस मामले में आर्यन को 2 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया था और उन्हें 26 दिन बाद जमानत मिली थी। आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं पूर्व सीएम की 4 संपत्तियां भी सीज की जाएंगी। टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट के कातिल आतंकियों को सुरक्षा बलों ने गुरुवार तड़के ढेर कर दिया। अमरीन की हत्या के 48 घंटे के भीतर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। हत्या में शामिल दोनों आतंकी लोकल टेररिस्ट थे और हाल ही में लश्कर में शामिल हुए थे। दोनों की पहचान मुश्ताक भट्ट और फरहान हबीब के रूप में हुई है। दोनों ने लश्कर के कमांडर लतीफ के कहने पर अमरीन की हत्या की थी। यूनिवर्सिटी कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को यूनिफॉर्म की शॉल से अपना सिर ढकने की इजाजत थी, लेकिन अब इसे भी खत्म कर दिया गया है। 16 मई को बेंगलुरु में सिंडिकेट की बैठक के बाद इस नियम को खत्म कर दिया गया। मौजूदा यूनिफॉर्म नियम में संशोधन करते हुए मंगलौर यूनिवर्सिटी ने परिसर में और कक्षाओं के भीतर हेड स्कार्फ पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ज्ञान बापी की लड़ाई अब सीधे सीधे शिवलिंग पर उतर आई है। हिंदू पक्ष की दलीलों का पूरा जोर सर्वे में मिले इस सबूत को शिवलिंग साबित करने पर टिका है, तो मुस्लिम पक्ष इस दावे का दम निकालने की कोशिश में लगा है। इस लड़ाई में शिवलिंग ही सब कुछ है। ये सबसे बड़ा सबूत भी है और सबसे बड़ा सहारा भी। इसलिए शिवलिंग पर सबसे बड़ी मोर्चाबंदी भी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शिवलिंग से जानबूझकर छेड़छाड़ की गई। मस्जिद के स्टोर रूम से वो चक्री भी मिली है जिससे शिवलिंग में सुराख करने की कोशिश की गई। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया। पंचायत चुनाव 3 चरण में होंगे। पहले चरण में 25 जून को, दूसरे चरण में 1 जुलाई को और तीसरे चरण में 8 जुलाई को मतदान होगा। चुनाव रिजल्ट 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में मॉडलों के लगातार सुसाइड के केस सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों फेमस अभिनेत्री के सुसाइड करने के बाद 2 अन्य मॉडल ने भी सुसाइड कर लिया। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पतुली क्षेत्र में एक मॉडल ने अपने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। ये पिछले 3 दिन में ऐसी दूसरी घटना है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में शादी समारोह में बजने वाले फिल्मी गानों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने कहा है कि अब सार्वजनिक जगहों जैसे बैंकेट हॉल और मैरिज होम जैसी जगहों पर होने वाले शादी समारोह में संगीत बजाने के लिए आयोजनकर्ताओं को लाइसेंस लेना होगा। लद्दाख के टटक सेक्टर में एक वाहन दुर्घटना में सेना के 7 जवान शहीद हो गए। कई अन्य जवानों को गहरी चोट आई है। गंभीर घायल जवानों को वायुसेना की मदद से वेस्टर्न कमान भेजा जा रहा है। एक्ट्रेस कंगना रनौत की धाकड़ बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई है। लगभग 100 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये फिल्म 7 दिन यानी फर्स्ट वीक में 5 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाई, जिसका सीधा असर फिल्म के OTT और सैटेलाइट राइट्स की डील पर पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के सुपर फ्लॉप होने के बाद अब इसके OTT और सैटेलाइट राइट्स भी नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि मेकर्स को कोई खरीदार नहीं मिल रहा है।